नमस्कार दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों के साथ भीड़ में खड़े हो जाएं। वो धक्का मार मार कर आपको आगे बढ़ा ही देते हैं। और इसी मोटिवेशन के साथ मैं सीए सृष्टि जैन, कोर कमिटी मेंबर आयुषी रोज, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। समय समय पर हमारी आयुषी रोज की टीम ने आपको अलग अलग बिजनेस आइडियाज के बारे में और उनमें नॉमिनल अमाउंट इन्वेस्टमेंट के बारे में ब्रीफ कर ही दिया है। आज मेरा टास्क ये है कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि बिजनेस प्लान करने के बाद बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको रन करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना पड़ती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने कोई गाड़ी लेनी है, उसका क्या मॉडल नंबर होना चाहिए, उसको आप डाउन पेमेंट बेसिस पे भी ले सकते हैं। इन सब के बारे में छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आयुषी रोज टीम आपको ऑलरेडी गाइड कर चुकी है, इन द सेंस ये बता करके कि आप क्या क्या बिजनेसेस प्लान कर सकते हैं और कितने नॉमिनल अमाउंट्स में ये बिजनेसेस प्लान हो सकते हैं। अब उन बिजनेसेस को रन करना, मतलब उस गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या फ्यूल कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, आप वो फ्यूल कॉस्ट कैसे सर्व कर सकते हैं, आपको कहाँ से गाड़ी लेनी चाहिए, आपको आगे की ईएमआईज कैसे मेंटेन करनी चाहिए, उन सब के बारे में आप कैसे और क्या प्लान करेंगे वो डिसाइड करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। तो मेरे दिए गए एग्जाम्पल में गाड़ी की ईएमआई की जहाँ हमने बात की, उसको आप कोरिलेट कर सकते हैं एक बिजनेस के स्टार्टअप फंडिंग सपोर्ट से कोरिलेट करके, और जहाँ मैंने फ्यूल कॉस्ट और सर्विस मेंटेनेंस एक्सेट्रा की बात की, उसको आप कोरिलेट कर सकते हैं स्टार्टअप के कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट से कोरिलेट करके। स्टार्टअप फंडिंग सपोर्ट के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लेके बहुत सारी स्टार्टअप स्कीम्स लॉन्च की हैं, जो कि आपको छोटे से छोटे, मतलब कि 50,000 से लेके 50 लाख तक का लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से 50,000 से लेके 20 लाख तक का लोन तो नॉन रिफंडेबल बेसिस पे भी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट आपको दिया जाता है। इन स्कीम्स के कुछ नाम मैं आपको बताती हूँ। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंडअप इंडिया स्कीम, स्किल इंडिया स्कीम, स्टार्टअप सीड फंडिंग स्कीम। इन सभी स्कीम्स से रिलेटेड जानकारी आपको उनकी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट वेबसाइट से मिल सकती है, जो कि हमने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर भी की है। इसके अलावा आप इन सभी से रिलेटेड जो भी एलिजिबिलिटी है, पेपर वर्क है या सपोर्ट है, वो हम हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑन कॉल कंसल्टेशन पे भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टार्टअप कंसल्टेंसी सपोर्ट की। स्टार्टअप कंसल्टेंसी सपोर्ट या स्टार्टअप कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट जिसको हम कहते हैं, उसमें स्टार्टअप से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज आती हैं, सारे कंप्लाइंसेस आते हैं, सारे पेपर वर्क आते हैं, सारे लाइसेंसेस आते हैं। इसके अलावा अकाउंट्स मैनेजमेंट भी आता है। फॉर सपोज आपको आपके बिजनेस में आगे जाके कब फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है या उसके होने से पहले का एक ट्रिगर देना, उनको प्रॉपर फाइनेंशियल या फंड मैनेजमेंट से ही आप केटर कर सकते हैं। इन सबसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी कंसल्टेंसी आपको चाहिए, ये आयुषी रोज के इस इनिशिएटिव के तहत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा सकता है, जो कि आप कभी भी ऑन कॉल ले सकते हैं। आयुषी रोज का टारगेट है कि महिला शक्ति से स्टार्टअप शक्ति को आगे बढ़ाना है और देश को आगे बढ़ाना है, और इस मुहिम में हम सब आपके साथ हैं।